हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ वर्चुअल स्पेस। दिस इज कुणाल, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन आईएमएस बीएचयू। आज हम लोग एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज इंटरनल कोटा इन आईएमएस बीएचयू फॉर पीजी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक चीज से कि यूजी में कितने सीट्स होते हैं। तो एज यू नो कि यहाँ पे 100 सीट्स हैं यूजी के लिए, और इसमें और पीजी में टोटल कितने सीट्स हैं, तो दैट इज अराउंड 188। ठीक है, तो उसमें से जो 50% 50% इंटरनल कोटा मिलता होता है हमें, तो दैट कम्स अराउंड 94। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस ईयर 94 सीट्स थे। और मैं एक जल्दी से ना आपको सारा बता देता हूँ, अगर ये नहीं भी सुनना है तो यू कैन स्किप दिस, कि मैंने इस सारे को ना दो पार्ट में बांट रखा हूँ, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल। नॉन क्लिनिकल में मैं रखा हूँ एनाट, फिजियो, फार्मा, बायोकेम, पैथो, पीडिया, माइक्रो एंड FMT। ठीक है, फॉरेंसिक मेडिसिन दैट इज। तो इन सारों में 24 सीट्स हैं, फाइन। और उसके बाद दूसरे साइड जो क्लिनिकल ब्रांचेज हैं, दैट इज ऑर्थो, ऑफ्था, सर्जरी, ENT, MD, जेरियाट्रिक्स, रेस्पी मेडिसिन, ट्यूबरक्लोसिस वाला, चेस्ट एंड TB, फिर रेडियो ऑन्कोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, उसके बाद साइकैट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, ऑप्स गाइनी, उसके बाद मेडिसिन जो जनरल मेडिसिन है, ठीक है, फिर डर्मा और एनेस्थीसिया। इन सारे को सम अप करके 70 सीट्स आते हैं। ठीक है, तो 70 प्लस 24 94 हो गए सीट्स। तो इन सारे 94 सीट्स में 24 और 70 डिवाइडेड है। और ये जितने भी जो मैट्रिक्स हैं, सीट मैट्रिक्स हैं, आप जाके MCC के वेबसाइट से जाकर के आप डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हो। ठीक है, IMS BHU का डाल करके हर साल ये चेंज होता होता है। ठीक है, वो जनरल, ST, OBC वगैरह जो EWS के जो मैट्रिक्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आप देख लेना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मैं एक लमसम एक ना मोटा मोटी सा चीज़ बताऊँगा इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये है। और देखो, अब आप बोलोगे कि यार IMS वाले तो बोलते होते हैं कि हमारी सीट तो पक्की है PG। तो जी हाँ, ये बहुत ही पक्की होती है, इसलिए यहाँ पे लोग बहुत चिल्ड होकर के और लाइफ को एक्सप्लोर करते होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ करते हैं, कुछ सीखना, कुछ अपने हॉबी को परस्यू करना वगैरह वगैरह यहाँ पे, क्योंकि अननेसेसरी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता यूजी डेज में। बट हाँ, आपको मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि इतना भी रोजी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इंटर्नशिप बहुत ही हेक्टिक है, बहुत हेक्टिक है। आपको कोई भी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलेगा व्हेन यू आर इंटर्नशिप इन IMS BHU। तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे, जैसे मैंने बहुत सारे सीनियर से बात किया ये वीडियो बनाने से पहले, तो देवर लाइक कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट क्योंकि इंटर्नशिप में आप ना पढ़ नहीं पाते हो, ठीक है, वट एवर माइट बी द रीज़न, क्योंकि यू आर नॉट यूज टू दैट मच वर्क, और अचानक से आपको इतना सारा काम करना होता है, या फिर कोई मिसफॉर्चून कुछ भी हो जाता है आपका पर्सनल एंड पे, तो जिसके कारण लोग पढ़ नहीं पाते। तो उन सारे टाइम में ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है 50% इंटरनल कोटा का। और आप बोलोगे यार तब तो 100 बच्चे हैं, 94 सीट्स आ रहे हैं, तो इतना सेफ कैसे हुआ? तो लेट मी टेल यू, जब आप कॉलेज में आते हो तो बहुत लोग USMLE को परस्यू करना चाहते हैं, US जाना चाहते हैं, बहुत लोग UK जाना चाहते हैं प्लैब के थ्रू। तो क्या होता है, और बहुत लोग की अच्छी रैंक आती हैं, तो वो PGI चंडीगढ़ या फिर एम्स दिल्ली या फिर और भी कोई जैसे MAMC वगैरह में मेडिसिन लेना, तो ऐसे करके लोग ना बाहर निकल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ से ना एक तरह से 15 से 20 सीट्स ना हर साल थोड़ा बाहर लोग चले जाते हैं USMLE के लिए या फिर प्लैब के लिए या फिर इस तरह से करके 15 पकड़ लो, 10-15-20 ऐसे ही ईयर टू ईयर वेरी करेगा, आपके ईयर में क्या होगा नोबडी कैन आई मीन प्रेडिक्ट ना। तो ये होता है, तो इससे आप एक तरह से समझ सकते हो कि जैसे 70 अगर आपको सिर्फ क्लिनिकल चाहिए, बहुत लोगों को जो रिसर्च में इंटरेस्ट होता है वो फिजियो वगैरह लेते होते हैं, बट अगर ये जो मैं जनरल कन्वेंशन को दिमाग में रख के ये बात कर रहा हूँ आपसे, तो 70 सीट्स होती हैं इसमें क्या कहते हो आप इंटरनल के थ्रू क्लिनिकल ब्रांचेज में, तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाती हैं। और मैं यही सारा सीट मैट्रिक्स वगैरह देख रहा था डाउनलोड करके PDF वगैरह ना, और हो सकेगा तो मैं आप कर सकते हो MC जाना PG काउंसलिंग वाले वेबसाइट पे और सारा सीट मैट्रिक्स वगैरह निकाल के देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा बट आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे तो मैं आपको बता दिया कि क्या क्या है, फाइन, और यही है। और हाँ, अब ये बात है कि क्या मैं 50% रिजर्वेशन को देख करके IMS BHU उठा लूँ UG में? तो यार इस पर मैं थोड़ा बोलूँगा कि पहले आप एक बार देख लो आपको BHU शहर कैसा लगता है, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी, नोन सिटी काशी, माना जाता है शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये 1000 ईयर पुराना है, फाइन। तो ये
1000 साल पुराना जगह है और इसके अपने एक अलग मजा है. लाइक आप इसके गली में घूम करके लाइक बहुत इट्स लॉट्स ऑफ फन. अभी रिसेंटली मेरा एक ना स्कूल का जूनियर आया हुआ था तो मैं उसके साथ थोड़ा घूमा था क्योंकि मेरा एग्जाम वगैरह खत्म हो गया हुआ था अभी रिसेंटली 20th अक्टूबर को. तो मतलब हाँ मज़ा आया था और ही वॉज लाइक कि सर आप बोलते होते हो कि मतलब आपको इतना मज़ा नहीं आता. यार ऑनेस्टली मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है क्योंकि आई एम बिट इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिल्ली की लाइक मुझे दिल्ली में रहना पसंद था. बट आपका अपना चॉइस हो सकता है कि अगर आपको वाराणसी में आना है. और यार एक और चीज़ है कि लाइक सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को लेकर के पीजी की इंटरनल कोटा को लेकर के आप चूज़ मत करना. बट हाँ अगर आपको यार यू आर अगर आप यहाँ तक रैंक ला ली हो तो यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू यू नो ट्रेड ऑफ कि आपको किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है. जैसे बहुत लोगों का कमेंट सेक्शन में होता है कि मुझे एम्स चूज़ करनी चाहिए या फिर एम्स जोधपुर या फिर इस तरह से ऋषिकेश ठीक है या फिर IMS BHU. तो यार मैं बोलूँगा कि आप देख लो आपको एम्स का टैग चाहिए या फिर IMS BHU चाहिए क्योंकि दोनों अपने आप में मतलब एम्स का टैग अलग है और IMS BHU अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग हॉस्पिटल है कॉलेज है. यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी हैं लाइक टॉप नॉच लाइक बहुत अच्छी हैं लाइक मैं क्या बताऊँ. तो आप ये सारे चीज़ को देख करके मतलब अपना डिसीजन लेना. और इंटरनल कोटा के बारे में आपको पता चल गया कि एक देखो यार ये तो बहुत ही सच है. बहुत जूनियर्स लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लिंक में यार तुम लोग बता देना कि लोग यहाँ पे थोड़ा चिल्ड होते हैं ठीक है. उनको टाइम होता है लाइफ को एक्सप्लोर करने का बहुत सारी चीज़ को सीखने का ठीक है. अब उसको आप जिस तरह से इस्तेमाल करोगे वो सारे टाइम को तो वो आपके ऊपर है ठीक है. तो मैं तो अपना पर्सनली बताऊँ तो यार यहाँ पे पीजी का उतना प्रेशर नहीं होता तो मैं तो अपने सेकेंड और थर्ड ईयर में लाइक मुझे और भी मैं बहुत सारे वीडियोस में ये बात कर चुका हूँ कि मुझे इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ना था स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा जानना वगैरह था और भी बहुत सारी हॉबीज़ थी जो परस्यू करना था तो वो मैं किया लाइक. और अभी फटी पड़ी हुई है पीजी को लेकर के पीजी का प्रिपरेशन को लेकर के. बट क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ा निकलना है लाइक मुझे वही मैं बोला आपको कि दिल्ली जाना था मुझे तो इसलिए मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ. तो बट आप इन सारी चीज़ों को कंसिडर कर सकते हो. पीजी का इंटरनल सीट मैट्रिक्स आपको मैं बता दिया. यहाँ पे अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो सीट तो पक्की है यार. और हाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा कि यहाँ पे पैसे कितने होते हैं ठीक है. तो ब्रो ब्रो या फिर सिस्टर जो भी आप देख रहे हो थोड़ा सा वो होता है ना कि दिन रात ब्रो ब्रो करते करते हो जाता है ये बोलना. तो देखो आप जब इंटर्नशिप में होते हो तो आपको 23,500 मिलता होता है अभी के हिसाब से 2022 अक्टूबर. अब ये चेंज होगा फ्यूचर में तो होना चाहिए यार. आई एम डेस्परेटली वेटिंग कि हमारा यू नो 26,000 या 29,000 वाला टाइप में चला जाए ठीक है. तो 23,500 है. और फिर जो JR1 का अभी के हिसाब से जो फ़ी है मतलब बिफोर टैक्स टैक्स के बाद थोड़ा कट के आएगा. और आपको ना यहाँ पे कंपलसरी होता है बॉयज़ के लिए हॉस्टल में रहना और हॉस्टल में रहो ना रहो आपको पे करना होता है अराउंड 14,000. तो वो आप घटा लेना. पीजी की बात कर रहा हूँ मैं तो 91,952 JR1 के लिए, 94,611 JR2 के लिए और 97,270 JR3 के लिए. तो आपको इंटर्नशिप वाला पैसा पता चल गया और रेसिडेंसी वाला पैसा पता चल गया JR का. तो ठीक है उड़ाना नहीं है मेरे हिसाब से लाइक आप कर सकते हो इन्वेस्ट करना अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह करना. हम लोग इस चैनल पे और भी इस टाइप के वीडियोस बनाते रहते हैं तो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और आप लोगों को शेयर कर सकते हो यार. और सब्सक्राइब करोगे यार मैं अपना फाइनल ईयर का इतना ही प्रीसियस टाइम आपको दे रहा हूँ तो आप भी लाइक आपको क्या जा रहा है बस सब्सक्राइब कर दो राइट. तो किसी और वीडियोस में मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर. और इस पीजी इंटरनल कोटा से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होगा तो पूछ लेना. और हाँ एक और चीज़ मैं भूल गया बोलना कि यार देखो जो ऑल इंडिया कोटा से और इंटरनल कोटा से जो लोग सीट लेते हैं ना इसमें बहुत डिफरेंस होता है ठीक है. इसलिए मैं बोला कि बहुत हेल्पफुल होता है अगर आपका थोड़ा सा इंटर्नशिप खराब भी चला जाता है ना पढ़ाई के मामले में फिर भी आप एक अच्छे से अपना ड्रीम ब्रांच पकड़ सकते हो ठीक है. और EWS का भी थोड़ा काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है इस कॉलेज में. तो इस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको पीजी पक्का चाहिए तो आंख बंद करके IMS BHU ले सकते हो. और भी बहुत सारे अगर वेरिएबल्स आ जाते हैं फैक्टर इन कर जाते हैं तब तो आपको अच्छे से प्लान करके ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कि आपको क्या चूज़ करना है नहीं करना है. तो होप ये 10 मिनट का वीडियो बन गया जो कि मैं सोचा था बहुत शॉर्ट रहना रखूँगा मैं इसे. तो
चलो आपको बहुत चीज़ पता भी चल गया होगा कि यहाँ पे लोगों का क्या टेम्परामेंट वगैरह है, और यहाँ पे रिसर्च का भी अच्छा सा वो है, लाइक कल्चर है, लोग रिसर्च वगैरह करते होते हैं, तो अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड हो तो आप आ सकते हो। मैंने लाइक एक रिसर्च स्टार्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कंप्लीट नहीं किया, बैड ऑन माई पार्ट, बट हाँ अच्छा सा कल्चर है तो आप वो भी कर सकते हो रिसर्च वगैरह यहाँ पे। और हो गया, दैट्स इट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसे आंसर करने का कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। चलो फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आई वॉन्ट टू ग्रो माई यू नो यूट्यूब बेस, सो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।